गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज अ क्लास 4th ऑफ भारतीयम पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर करेंगे 5 साइंस का एनिमल एंड बिहेवियर, मतलब जानवर और उनके जो कैसी आदतें होती हैं उनके बारे में। लाइक ह्यूमन, एनिमल्स आर आल्सो सोशल एनिमल। ह्यूमंस मींस की तरह ही जो एनिमल्स होते हैं वो भी सोशल होते हैं। मैनी एनिमल्स लिव इन अ ग्रुप, जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं किसमें ग्रुप में रहते हैं, क्योंकि उनको एक कंफर्ट मिलता है ग्रुप में रहने पे, सिक्योरिटी होती है और एक वार्म्थ मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पेंगुइन है, पेंगुइन एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर पूरे साल जो होता है बर्फ जमी रहती है, जिसकी वजह से जो पेंगुइन्स होती हैं वो एक हजारों की तादाद में एक ग्रुप में रहते हैं, जिससे उनकी बॉडी से क्या होती है आपस में गर्मी मिलती है और वो ऐसे एटमॉस्फेयर में अपने आप को रख सकती है। अब है एनिमल दैट लिव इन अ ग्रुप, जो सारे एनिमल्स होते हैं ग्रुप में रहते हैं, लेकिन जो एलिफेंट होता है वो ग्रुप में रहते हैं, तो उनके ग्रुप को हम हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ड। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट इज लेड बाय द मोस्ट डोमिनेंट ऑफ द फीमेल एनिमल। जो एलिफेंट का जो ग्रुप है वो फीमेल एलिफेंट द्वारा चलाया जाता है, उसमें जो सबसे तेज या ताकतवर जो फीमेल होती है वो उस ग्रुप को चलाती है, बाकी जितनी भी जो फीमेल्स होती हैं वो छोटे बेबीज होती हैं उनकी देखभाल करती हैं। मतलब कि एक ग्रुप में 10 से 12 फीमेल होती हैं और जो उस ग्रुप को संभालती है, और उसमें जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उस ग्रुप की देखभाल करती है। जब एक जो मेल फीमेल 14 to 15 ईयर का हो जाता है वो उस ग्रुप को छोड़ देता है। इसी तरह जो डियर और बफेलो होते हैं उनके ग्रुप को भी हम हर्ड बोलते हैं। तो जो होता इसमें क्या होता है, वो मेंबर इन ग्रुप का हेड होता है, जो इस ग्रुप को पूरी तरीके से संभाल सकता है, उस मेंबर को वो लोग ग्रुप का नेता बनाते हैं या फिर ग्रुप का लीडर बनाते हैं। तो जब भी अगर कोई ये लोग खाना खा रहे हैं या फिर रेस्ट कर रहे हैं तो वो पूरे ग्रुप की देखभाल करता है ताकि कोई दुश्मन उन पर अटैक ना कर सके। अब अगला है लॉयन। लॉयन लिव इन अ ग्रुप कॉल्ड प्राइड। जो लॉयन का ग्रुप होता है उसको हम प्राइड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो मेल लॉयन होता है वो पूरे ग्रुप को संभालता है, या जो वो मेल लॉयन उस ग्रुप का हेड बनता है जिसमें एक ताकत होती है। इनका क्या होता है कि इनका एरिया डिवाइड होता है, एक एरिया में सिर्फ एक लॉयन रहता है, बाकी लॉयनेस जो होती है मतलब फीमेल लॉयन और जो उनके बच्चे होते हैं वो इन ग्रुप में रहते हैं, और जो सबसे ताकतवर जो लॉयन होता है वो उस एरिए को पूरा रखता है या फिर उसको सिक्योर करता है। अब है वैरायड बिहेवियर और एनिमल्स। एनिमल्स के जो बिहेवियर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। वो कैसे अलग होते हैं, वैरायड, क्योंकि जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बींग को देख के ही शाय होते हैं, शाय एनिमल्स कह लें, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली नेचर होते हैं। सम एनिमल लाइक डॉग, कैट, पैरेट आर फ्रेंडली एनिमल्स। इनको हम फ्रेंडली एनिमल्स भी बोल सकते हैं, इफ वी दे हैव, क्योंकि ये इनको हम घर में पालते हैं और ये हमको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी करते हैं, या इनको हम डोमेस्टिक या पैट एनिमल्स भी कहते हैं। इसी तरीके से जो डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन आर वेरी फ्रेंडली एनिमल। डॉल्फिन जो होती है वो भी बहुत फ्रेंडली एनिमल होती है, क्योंकि ये पानी में रहती है और हमको वाटर एक्टिविटीज करके एंटरटेन करती है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे जैसे शायर, जैसे रैट हो गया, लिजर्ट हो गया, रैबिट हो गया या डियर हो गया, ये शाय एनिमल्स होते हैं क्योंकि ये हम लोगों को देखकर झुक जाते हैं, इसलिए इनको हम शाय एनिमल्स भी बोलेंगे। इनका बिहेवियर जो होता है शाय होता है, क्योंकि ये ह्यूमन से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम उनको हर्ट करते हैं, हम उनको चोट पहुँचाते हैं, इसलिए ह्यूमन्स को देख कर ये डर जाते हैं या फिर झुक जाते हैं, क्योंकि वाइल्ड एनिमल हमेशा ह्यूमन्स को देख कर छुप जाते हैं। वी मस्ट नॉट बी क्वारल टू एनिमल। हमें जो क्रूरता वाला व्यवहार है वो एनिमल्स के साथ नहीं करना चाहिए, इनको हमको टीज नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, इनके साथ हमें एक फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए। अगला है हमारा हेल्पफुल एनिमल।
जैसे हम लोग ह्यूमंस आपस में हेल्प करते हैं, ऐसे ही एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स की मदद करते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे डॉग और पपीज होते हैं वो काऊ के साथ खेलते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को एंजॉय करते हैं। इसी तरीके से जो क्रो और एग्रेट बफेलो की पीठ पर बैठते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो इंसेक्ट्स होते हैं तो उनको ये जो एग्रेट और क्रो बर्ड्स होती है वो उसको नोच नोच के खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे ही जो क्रोकोडाइल की टीथ में जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्लोवर बर्ड होती है वो उनको नोच नोच के खाती है। अब है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर। ईयर भी हमारे दो तरीके के होते हैं, बिग ईयर स्मॉल ईयर एनिमल्स। बिग ईयर एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जैसे रैबिट एलिफेंट फॉक्स हैव अ बिग ईयर। इनके क्या होते हैं बड़े बड़े कान होते हैं, दे हैव मूव द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। जैसे ही ये अपने कोई आवाज सुनाई देती है तो ये अपने कानों को इधर उधर हिलाकर उन आवाजों को सुनते हैं। डॉग कुछ डॉग में क्या होता है, डॉग में भी दो तरीके के कान होते हैं। कुछ डॉग ऐसे होते हैं जिनके कान बहुत बड़े होते हैं, कुछ डॉग ऐसे होते हैं जिनके कान क्या होते हैं छोटे छोटे होते हैं। तो जो डॉग होते हैं वो जो साउंड आती है उसके डायरेक्शन में अपने कानों को इधर से उधर मूव करते हैं ताकि वो दूर तक की भी आवाज को सुन सके। अब बर्ड्स और जो लिजर्ड होती है उनके कान क्या होते हैं, एक होल की तरह होते हैं, और मतलब जो उनके कान बिल्कुल मतलब एक एक्सटर्नल उभार होता है, अलग से कान नहीं दिखाई पड़ते, इंस्टेड ऑफ ईयर कहते हैं जिनको हम। अब स्नेक क्या होता है, स्नेक हैव अ न्यू ईयर। स्नेक जो होता है उसके कोई भी कान नहीं होते, सिर्फ वो वाइब्रेशन के जरिए आसपास की चीजों को महसूस करके इधर उधर मूव करते हैं। अगला है हमारा बॉडी कवरिंग। अब कुछ एनिमल भाई ह्यूमंस हम लोग क्या होता है ठंड पड़ी तो हमने कपड़े पहन लिए, लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं जो ठंडी जगह पे रहते हैं फिर भी उनको मतलब ठंड नहीं लगती, तो उनकी बॉडी ऐसी होती है कि उस नेचर को या अपनी बॉडी को उस तरीके से कवर करके रखते हैं। द टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग एन एनिमल हेल्प ऑन डिपेंड ऑन मतलब जिस नेचर में रहते हैं उस हिसाब से उसको वो रहते हैं। अब एनिमल लाइक पोलर बियर याक हैव अ थिक फर। पोलर बियर और याक कहाँ रहते हैं, ये ठंडी जगहों पे रहते हैं, इसलिए इनकी बॉडी में क्या होता है मोटे मोटे फर या मोटे मोटे बाल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है इनकी बॉडी वार्म रहती है और जो इनकी स्किन होती है वो मोटी फैट उस पर होती है। अब रेप्टाइल लाइक कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जैसे स्नेक क्रोकोडाइल हैव अ स्किन ऑन देयर बॉडी। फिश ऑल्सो हैव अ स्किन। रेप्टाइल जो होते हैं उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं, वो क्योंकि वो पानी और उसमें रहते हैं उसी हिसाब से उनकी बॉडी बनी हुई होती है। बर्ड्स हैव अ फैदर ऑन देयर बॉडी विद द हेल्प ऑफ फ्लाइंग एंड टीप द बॉ। अब जो बर्ड्स होती हैं उनकी बॉडी पर क्या होते हैं पंख होते हैं, जिससे वो आसानी से तैर उड़ सकती हैं, और उसकी वजह से जैसे अगर उनको ठंड लगती है तो वो पंख जो होते हैं उनकी बॉडी को गर्म करके रखते हैं। अब मैमल, मैमल लाइक काउ गोट डॉग हैव देयर ऑन अ हेयर ऑन अ बॉडी। इन सब की बॉडी पे क्या होते हैं छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। अब पॉर्क्यूपाइन, इनके पॉर्क्यूपाइन एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके हेयर नहीं होते, उनके पहने पहने से क्या होते हैं स्पाइक्स होते हैं या कांटे होते हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट, अगर उनको कोई एनिमल खाने आता है उसको जैसे, तो वो क्या होते हैं एकदम पूरा यूं कांटे की तरह एक फूल सा बन जाता है उसको, फिर वो जैसे वो एनिमल मुंह में लेता है तो उसके क्या होते हैं कांटे चुभने लगते हैं तो वो उसको नहीं खा पाते हैं। अब है हनी। हनी भी क्या होता है, हनी भी हमको हनी देती है, वो क्या होती है हनी भी फ्लावर्स से नेक्टर लेती है, फिर वो उस नेक्टर को क्या करती है अपने जाकर जो छत्ता होता है उसमें जाकर स्टोर करती है। इस प्रोसेस में बहुत एक लंबा समय लगता है, उसमें क्या होता है जैसे जो ब्राइट कलर्स होते हैं उनमें जाती है हनी भी, फिर वहाँ से फूल को फूलों पर से नेक्टर सर्व करती है, उसके बाद उस नेक्टर को अपने जो छत्ता होता है उसमें जाकर स्टोर करती है, फिर उस छत्ते को उनका जो वी वैक्स होता है उससे पूरा कवर कर देती है, फिर उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उस छत्ते को हम लोग शहद निकालते हैं। तो उस शहद को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मधुमक्खी उस छत्ते पे से हट जाए तो हम सूखी पत्तियों का धुआं करते हैं, जिससे क्या होता है वो जो हनी भी होती है मरती भी नहीं है और वो वहाँ से भाग जाती है उस छत्ते को, फिर हम लेके उस पे से वैक्स की कोटिंग हटाकर उसमें से हम लोग
शहद निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था एनिमल और उनके बिहेवियर, उनके किस तरीके का बिहेवियर होता है, शायद होता है या फिर वो हम डोमेस्टिक होता है, तो वो सारी चीजें इस चैप्टर में हमने अभी आपको पढ़ाई है।